गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 ट्राइंगल्स इसकी बात करते हैं। तो ट्राइंगल्स नाम आपने 9th क्लास में भी देखा होगा कि ट्राइंगल्स क्या होता है। तो यहाँ अपने को बेसिक ट्राइंगल के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ क्या होता है कि ट्राइंगल चैप्टर सबसे टफ चैप्टर बताते हैं क्लास 10th का। तो अपन उस टफ चैप्टर को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपके सामने दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हर बार आता है एग्जाम में, इस चैप्टर से एक 4 मार्क्स की थ्योरम आती है। तो चैप्टर के अंदर 6 या 7 थ्योरम्स हैं, अगर अपन एनसीईआरटी के अलावा भी बात करते हैं। तो सबसे मेन और थ्योरम है वो है बीपीटी। बीपीटी मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर इसका दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। यदि थेल्स नामक मैथमेटिशियन ने इसको प्रूव किया था, तो उसने अपने ही नाम पर इस थ्योरम का नाम क्या डाल दिया था, थेल्स थ्योरम। तो जो क्वेश्चन है वो दो टाइप से निकल के आता है। दो टाइप से कैसे आता है, जैसे पेपर वाला थोड़ा सा टफ बना देना चाहे, लेंथी बनाना चाहे, तो वो कह देगा कि स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी, या फिर स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम। तो ऐसे इस टाइप से अगर क्वेश्चन देगा तो अपने को स्टेटमेंट खुद को ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब स्टेटमेंट अपने को लिखना पड़ेगा। तो लेंथी हो गया ना क्वेश्चन, तो ये स्टेटमेंट भी याद रखना पड़ेगा। वरना क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे कह सकता है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ठीक है। क्या देगा कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब ये है कि अपने पास एक ट्रायंगल गिवन होगा। क्या गिवन होगा, एक ट्रायंगल गिवन होगा, तो अपन एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका नाम देते हैं अपन क्या, ए बी और सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब कहा है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में कितनी साइड होती है, 3 साइड है। किसी एक साइड के पैरेलल अपने को एक लाइन ड्रॉ करनी है, और वो अपन डिसाइड करेंगे कि अपन किस साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। जैसे अपन नॉर्मली बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो मान लिया मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी है जो बीसी के पैरेलल है, और इस लाइन को क्या नाम दे दिया मैंने, एल नाम दे दिया है। तो एल एक लाइन ड्रॉ की तो बीसी के क्या है, पैरेलल है। ये कंडीशन अपने को गिवन है पहले से, अगले क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। डी और ई पॉइंट देते हैं, ठीक है। डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो ये चीज अपने को गिवन है। तो गिवन क्या है, पहले अपन गिवन लिखते हैं। गिवन है अपने को क्या, गिवन है एबीसी इज ए ट्रायंगल, लेट क्या है ना अपने, लेट एबीसी इज ए गिवन ट्रायंगल, इज ए ट्रायंगल गिवन फॉर मी, इज ए ट्रायंगल that ABC is a triangle, L is a line parallel to BC, या फिर L is a line drawn parallel to BC, D and E are distinct points, या फिर अपन ये बात इतना जरूरी नहीं है, अपन ने बता दिया है कि डी और ई दोनों क्या है, तो डिस्टिंक्ट पॉइंट है। ये चीज गिवन अपने को क्या गिवन है कि एबीसी एक ट्रायंगल है जहाँ पे एल लाइन है वो बीसी के क्या है, पैरेलल है। ये गिवन है, तो प्रूफ मतलब अपने को प्रूफ क्या करके दिखाना है। तो इसलिए कहा है तो प्रूफ में अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, कि ये जो लाइन है ये इन दोनों साइडों को सेम रेशियो में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। डिवाइड करने का मतलब है कि इस लाइन, ये लाइन जैसे ड्रॉ हुई तो ये जो एबी लाइन थी ये दो पार्टों में बट गई है ना, कौन कौन से पार्ट आ गए अपने पास, एबी और डीबी पार्ट आ गए हैं। तो इसको रेशियो भी लिखना है अपने को, तो क्या लिखेंगे, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू
AE अपॉन में इसी ये चीज अपने को प्रूव करके दिखानी है। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन में इसी, ये प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, जब भी कोई थ्योरम करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा अपनी तरफ से। तो अपनी तरफ से अपने को क्या काम करना है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या देखेंगे अपन, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला काम है कि ई पॉइंट को इस बी पॉइंट से ज्वाइन करना है, बी पॉइंट को इस सी पॉइंट से ज्वाइन करना है, और इस डी पॉइंट से एसी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है और इस पॉइंट को नाम मैंने क्या दे दिया है, एंड पॉइंट नाम दे दिया है। सेम यही कंडीशन ई पॉइंट से इस एबी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो यह एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया मैंने, एंड नाम दे दिया है। तो जो कंस्ट्रक्शन किया है वो सारी चीज अपन लिखने वाले हैं, जॉइन बीई एंड सीडी। सबसे पहला काम क्या किया अपन ने, जॉइन बीई एंड सीडी जॉइन कर दिया, और क्या किया है, डीएम परपेंडिकुलर एसी, डीएम परपेंडिकुलर एसी और ईएम परपेंडिकुलर एबी, ये काम किया है, ठीक है। इस यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम इतना काम करते हो तो जितने का क्वेश्चन है पास मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ तक का काम करना है, आगे क्या करना है, अब अपन इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं, थ्योरम को प्रूफ करते हैं। तो थ्योरम को प्रूफ करने के लिए अब देखो अपन इस थ्योरम के अंदर किसकी बात कर रहे हैं, ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो ट्राइंगल के बारे में बेसिक चीज अपने को क्या पता है, ट्राइंगल का एरिया ही पता है। क्या पता है, ट्राइंगल का एरिया। तो जब अपन इस थ्योरम को करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात माइंड में रखनी है, पहले अपने को जितना भी काम करना है वो इस पूरी लाइन के लिए करना है, फिर जितना भी काम करना है वो इस पूरी लाइन के लिए करना है। लेकिन ये जो लाइन एल आ रही है वो इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, और ये एल लाइन है वो इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, मतलब ये लाइन पूरी जो एबी है वो दो भागों में बट गई है अपने पास। तो अपने पास दो ट्राइंगल लेते हुए और आगे का काम करना है। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं इन ट्राइंगल ए डी ई, इसकी बात करते हैं इन ट्राइंगल ए डी ई। तो इन ट्राइंगल ए डी ई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, नॉर्मली सबको पता है 1/2। अब बेस क्या है, जब मैंने ये कहा था कि अपन इस पूरी लाइन की बात करेंगे तो इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, अगर ए डी ई तो बेस क्या हो गया, ए डी क्या हो गया है, AD, और इस बेस के अकॉर्डिंग मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी, NE, क्या हो जाएगी, NE। तो बेस तो हो गया 1/2 ऐसे कैसा, AD और इनटू हाइट NE, और इसको अपन इक्वेशन में लगा के छोड़ दो, आ रही है बात समझ, यहां तक का काम हो गया। फिर जब अपन ने इतना काम कर लिया है, इस पूरी लाइन की बात करनी है ना, तो अपने इतना काम कर लिया, बस गया ये काम। अब ये जो लाइन है वो एक अपनी को नया ट्राइंगल दे रही है, कौन सा, ये तो ट्राइंगल दे रही है डी बी ई ट्राइंगल दे रही है। तो फिर अपन इस डी बी ई ट्राइंगल का एरिया और फाइंड करते हैं। तो इन ट्राइंगल डी डी ई बोल दो, डी डी बी बी ई, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी डी ई इक्वल टू 1/2, बेस तो सेम, वैसे बेस अपन ने यहाँ पे ये लिया है तो यहाँ भी बेस क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BD या फिर DB। और हाइट की बात करते हैं, तो हाइट एक बार ध्यान रखना, जैसे ही अपन मान लो अपने पास कोई ये ट्राइंगल है, वो ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल की हाइट ये है, ये हाइट है। तो अगर अपन इस ट्राइंगल को कितने भी पार्टों में डिवाइड कर दें, इसके बेस को जितने पार्टों में चाहे उतने में डिवाइड कर दें, लेकिन हाइट कभी भी चेंज नहीं होगी। अब अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल को मैंने इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग मैंने इस ट्राइंगल में और प्लस इस पूरे में डिवाइड कर दिया है, तो इस वाले ट्राइंगल की हाइट भी यही होगी, जो बेस से मैक्सिमम लेंथ होती है वही क्या कहलाती है, हाइट कहलाती है। तो अपन इस पूरे बेस की बात करने वाले थे, तो अपन इतना बेस को इस ट्राइंगल में ले लिया, बस यह जो रिमेनिंग बेस है वो अपन इस ट्राइंगल में लेंगे बी डी ई में। तो बी डी ई का बेस अगर ये है बी डी, तो हाइट वही होगी जो ऊपर वाले ट्राइंगल की, तो सेम हाइट कितनी हो गई है, एनी, क्या हो गई है, एनी। इसको अपन ने क्या कर दिया है, इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया है, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड किया तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में
एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE और इक्वल टू 1/2 से 1/2 कैंसिल, यानी से एवरी कैंसिल क्या आएगा हमारे पास AD अपॉन में BD और इक्वेशन नंबर 3। चेक करो जो अपने को प्रूव करना था उसका कुछ पार्ट तो अपने पास निकल के आ गया है उस इक्वेशन के राइट साइड में। तो अब रिमेनिंग पार्ट करिए, क्या करेंगे अपन इस वाली लाइन की बात करेंगे, तो इस वाली लाइन की बात करेंगे तो फिर चेक करो ये पॉइंट फिर से आ रहा है और ये पॉइंट जो है ए ही दो लाइन है तो फिर ये ट्राइंगल बना दिए, तो अपन फिर लेते हैं यही ट्राइंगल अगेन इन ट्राइंगल ए बी अगेन इन ट्राइंगल ए डी ई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो जब अपन इस वाली लाइन की बात कर रहे हैं तो बेस 80 था और अगर इस वाले लाइन की बात कर रहे हैं पूरी की तो बेस क्या हो गया ए, क्या हो गया है ए, और हाइट क्या हो जाएगी यहाँ हाइट एन थी तो यहाँ हाइट क्या हो जाएगी डी एम या फिर एम डी और इसको अपन ने नाम दे दिया इक्वेशन। और फिर सेम वही प्रोसेस है, अब अपने को ये बेस लेना है, ये बेस लेंगे तो ट्राइंगल कौन सा बनेगा अपने पास, अपने पास ट्राइंगल बनेगा CED इन ट्राइंगल CED और D। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल CED क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या हो गया CE और हाइट जैसे उसमें सेम एन थी दोनों में तो यहाँ भी दोनों में सेम हाइट क्या हो जाएगी MD और इसको अपन ने इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दिया है आगे की प्रोसेस क्या करेंगे अपन इक्वेशन 4 को इक्वेशन 6 से डिवाइड करेंगे। तो मैं इधर वाला ऊपर वाला इरेज कर रहा हूं, तुम वीडियो को पॉज करके और ये देख सकते हो ठीक है। तो आगे तो अपने को इस टाइप से इक्वेशन 4 और 5 मिल गई है ठीक है। तो जो काम अपन ने इक्वेशन 5 सेकंड के लिए किया था सेम वही काम अपने को किसके लिए करना है इक्वेशन 4 एंड 5 के लिए। तो क्या करेंगे अपन इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 5 तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE और अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल CED और इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 से 1/2 कैंसिल, MD से MD कैंसिल, क्या आएगा AE अपॉन में CE या फिर PC, ये हो गया। और इसको इक्वेशन नंबर दे दिया अपन ने 5 नाम 6 जो है इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल दिखाना है। मेन काम क्या करना है अपने को इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 की अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई तो इन दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी और यहाँ से जो अपने को प्रूव करना है वो रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो चेक करते हैं अपन 3 और 6 की तरफ। तो देखो 3 और 6 की लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो दोनों का न्यूमिरेटर सेम है एरिया ऑफ ट्राइंगल AD मीन्स डिनोमिनेटर को सेम करना है। अब अपन डायग्राम की तरफ चलते हैं तो एक ट्राइंगल है अपने पास ट्राइंगल BED और एक ट्राइंगल है अपने पास ट्राइंगल CED। देखो दोनों ट्राइंगल है वो सेम बेस पे लाई कर रहे हैं और बेस क्या हो गया इन दोनों के लिए DE हो गया और F जो लाइन है वो BC के पैरेलल है तो ये दोनों ट्राइंगलों का एरिया आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ये अपन ने 9th क्लास में देखा था कि जब भी कोई दो ट्राइंगल सेम बेस पे लाई करते हैं और दो पैरेलल लाइनों के बीच में लाई करते हैं तो उन दोनों ट्राइंगलों का एरिया हमेशा क्या होता है इक्वल होता है। तो अपन यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम फिगर से क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CED, ये हो गया। और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 7 नाम दे दिया और इसका रीजन क्या है बिकॉज बोथ ट्राइंगल लाई ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस
इसलिए इन दोनों का एरिया क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। तो अपन इक्वेशन 3, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 की हेल्प से क्या लिख सकते हैं, तो देन इक्वेशन 3, 6 एंड 7 क्या हो जाएगा, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CD। ये कैसे आया, ये प्रूफ हो गया, यही अपने को प्रूफ करना, यही अपने को प्रूफ करना। अब एक मिनट बात करते हैं, एक मिनट, जैसे BD और CD दोनों का एरिया इक्वल है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे CD की जगह BD पुट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, या फिर मैं यहाँ पे BD की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, ट्रायंगल CED पुट कर सकता हूँ, तो फिर दोनों की क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाएगी ना, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गई तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी और यहाँ से प्रूव हो जाएगा। तो मैंने वो सारा काम ना करके आप एक लाइन कम हो जाएगा, डायरेक्ट क्या लिखोगे, इक्वेशन 3, 6 और 7 से क्या आ गया मेरे पास, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CD, मतलब एक ट्राइंगल हो और उसमें कोई एक लाइन पैरेलल हो किसी भी एक साइड के, तो जो रिमेनिंग टू साइड्स हैं जिनको वो लाइन पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंटों पर, तो वो इंटरसेक्ट करने वाली लाइन उन रिमेनिंग दो लाइंस को सेम रेशियो में क्या करती है, डिवाइड करती है। ये हो गई पीपीटी थ्योरम, जो एग्जाम में हर साल कितने मार्क्स की आती है, 4 मार्क्स के लिए आती है, ठीक है। इसके बाद है कन्वर्स ऑफ पीपीटी, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।